इस रेसिपी को देखने के बाद आपको चावल की इडली का इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्पंजी और इतनी सॉफ्ट इडली आप भी बना सकते हैं इस रेसिपी के साथ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे बनाने जाएं, इससे एक घंटे पहले, कितने, एक घंटे पहले आपको ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ मैंने ले लिया आधा किलो सूजी इंस्टेंट इडली बनाने के लिए। इस आधे किलो सूजी में आराम से आप 20-25 जो है इडलियाँ बना सकते हैं। और इसमें ले लिया मैंने आधा टीस्पून बेकिंग सोडा पाउडर, जो इसको फ्लफ़ी बनाएगा। उसके बाद आपको दही डालना है। अब देखिए, जैसे आधा किलो सूजी लिए तो आपने जितनी सूजी लिए उसका आधा आपको दही डालना है। मैंने उस हिसाब से दही डाल दिया है, एक कटोरी के आसपास मैंने इसमें दही डाला है, जो एकदम सादी दही होती है, बिना मसाले वाली। वो ये नहीं कि आप मार्केट से कुछ मसाला छाछ लाए वो मिला दें, एकदम सिंपल दही, सादी, ठीक है। उसके बाद इसे अच्छे से पानी डाल के इस तरह बैटर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब टाइट नहीं रखना है, मीडियम बैटर रखिएगा, क्योंकि सूजी को फूलना है इसमें। जैसे जैसे सूजी फूलेगी उतनी सॉफ्ट स्पंजी आपकी इडली बनेगी। तो ये देखिए, एक घंटा हो गया इस बैटर को और सूजी जो है, जैसे हमने बहुत थोड़ा सा लिक्विड रखा था ना बैटर को, अब ये थोड़ा सा क्या हो गया है, टाइट हो गया, यानी इसका मतलब ये सूजी फूल चुकी है, उसने एक्स्ट्रा पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें मिला देंगे इनो। तो यहाँ पर मैंने लेमन फ्लेवर वाला इनो लिया है। आप भी लेमन फ्लेवर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि अगर और कोई फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे तो उसका कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा, जो अच्छा नहीं लगता है फिर, जैसे कि ऑरेंज फ्लेवर होता है, तो ये सब मत करिएगा, लेमन फ्लेवर लीजिएगा। उसके बाद इडली में मिलाने के बाद इसे अच्छे से फटाफट से फेंट लीजिए। अब आप बिना इडली स्टैंड के भी इडली तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास खाली ये मोल्ड हो तो। इस तरह भगोने में पानी रख लें, देखें कहीं इडली मोल्ड को वो टच ना कर रहा हो, बस, और थोड़ा गर्म होने दें 2 मिनट बाद। और जब तक पानी गर्म हो रहा है, हम यहाँ पे इडली स्टैंड में घी लगा के फटाफट, घी या रिफाइंड ऑयल आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता हो, मतलब जो भी हो आपके पास। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लगाया है यहाँ पे, और इसके बाद रिफाइंड ऑयल अच्छे से लगा देंगे ताकि इडली जो है ना वो जल्दी निकल सके बाद में पकने के बाद, चिपके ना इसमें। अब इसमें बैटर डाल दिया है, याद रखिएगा आप जितना बैटर डालेंगे उससे दुगनी इडली जो है वो फूलती है। तो यहाँ पे मैंने आधा आधा ही इसको भरा है ताकि जब वो फूले तो बैटर में ही रहे ना, अच्छे से पके, फ्लफ़ी बने। इसीलिए आप भी ऐसे ही करिएगा, एकदम पूरा मत फिल कर दीजिएगा इसको। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फिल कर लिया है और पानी भी गर्म हो चुका है, मैंने चेक किया था। तो अब उसमें हम डाल देंगे इस मोल्ड को। अब हम इसे पानी वाले भगोने में रख देंगे और इसे थाली से एकदम अच्छे से ढक देंगे जिससे भाप ना निकले और ये जल्दी से पक जाए। 5 मिनट बाद मैंने आपको दिखाया है कि देखिए थोड़ी थोड़ी कच्ची है ना, और थोड़ी थोड़ी पक गई है। तो अब हम देखिए, पूरी तरह से पकी नहीं है, ऐसे देखने से ही पता चल रहा है, पर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। और अभी मैंने इसको फिर देखिए 10 मिनट बाद खोला और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से पक गई है। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कैसे आप पता कर सकते हैं। आप कोई नाइफ़ ले लीजिए, चाकू। अब देखिए, मैंने इसको इडली में ऐसे डाला, अब इसमें देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, कितनी आसानी से चला जा रहा है और कितनी आसानी से बाहर आ जा रहा है ना, बिना किसी मतलब अड़चन के उसमें आराम से बाहर आ जा रहा है, चला जा रहा है। और इसमें इडली का कोई भी जो बैटर है वो चिपचिपा नहीं लग रहा ना नाइफ में, इसका मतलब कि अब इडली जो है वो पक चुकी है। अब देखिए, जो ये पानी पड़ा था ना भगोने में, अब इसे आप धीरे गैस करके ढक के रख दीजिएगा ऐसे ही, ताकि वो टेम्परेचर उसका बना रहे। और अगर पानी कम हो जाए, मान लीजिए भाप के द्वारा जलकर, तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिएगा और वो गर्म हो जाए, तब दोबारा से आप ऐसे ही बैटर फिल करके डालिएगा। यही प्रोसेस आपको फॉलो करते रहना है। अब देखिए, इडली निकल गई है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको निकाल के इसी नाइफ़ की मदद से, और बड़ी आसानी से ये निकलेगी, क्योंकि हमने रिफाइंड ऑयल लगाया है। तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कि तेल में सिर्फ रिफाइंड ही इस्तेमाल करिएगा, सरसों का तेल का इस्तेमाल मत कर लीजिएगा गलती से इसकी रिफाइंड की जगह, वरना फिर ना वो इडली में आपको टेस्ट आएगा हल्का हल्का सरसों का, तो वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। उसके बाद देखिए, इडली कितनी अच्छी लग रही है, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। इस तरह नाइफ़ की मदद से आप किनारे किनारे ऐसे नाइफ हल्की हल्की लेके जाइए, इडली आसानी से निकल जाएगी, जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे किनारे किनारे से लेके जाएंगे ना, आसानी से निकल जाएगी, बड़े आराम से, एकदम फ्लफ़ी इडली। तो इसी तरह सारी इडलियों को मैं निकाल लेती हूँ। इतनी सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनी है ना, और मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको चावल की इडली बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है उसका, है ना। जितनी देर में इडली खाने का मन करता है, बनाते बनाते उसी में थक जाते हैं हम लोग। तो ये तो सबसे अच्छी रेसिपी और ट्रिक लगी मुझे, सूजी की इडली। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा। बाकी मैंने चटनी की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है, आप जाके देखिएगा। और ये मूँगफली की चटनी है आप, और इतनी मतलब ऐसी रेसिपी मैंने अपलोड की है ना चैनल पे, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नारियल की चटनी खा रहे हैं कि मूंगफली की खा रहे हैं।
क्योंकि इससे बिल्कुल भी आपको नारियल की कमी महसूस ही नहीं होने देगी ये चटनी, इतनी अच्छी ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बताया है। तो जाके चैनल पे ये भी देखिएगा और इडली और चटनी दोनों साथ साथ बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अब आप लोग जल्दी से ये इडली चटनी की रेसिपी बना के खाइए और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।